बिहार के सीवान जिले के भगवानपुर थाना इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भगवानपुर थाना इलाके के बलहा अली मर्दनपुर गांव में एक सनकी पति ने अपने ही 4 पुत्रों को मार डाला है। दरअसल मामला यह है कि सनकी पति एक हथियार से यानी कि टांगी से अपने ही परिवार के पूरे सदस्यों को ख़त्म करने का प्रयास किया। हालांकि 4 बच्चे और बच्चियों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, लेकिन पत्नी और एक पुत्री अभी घायल हो गई, जिनको पटना रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई, चारों तरफ कोहराम मच गया। लोग यह चर्चा करने लगे कि आखिरकार ऐसा क्या कारण हुआ कि पति ने अपने ही बेटे और बेटियों को मार डाला। हालांकि पत्नी को भी मार डालने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसके बाद पत्नी और एक बेटी को कैसे भी बचाकर घायल अवस्था में पटना PMCH रेफर कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जब पति से बातचीत हो रही है तो अब वो एहसास कर रहा है कि पूरा हमारा परिवार खो गया और कैसे हमने इसे मार दिया। जब पति से बात हुई तो पति का यह मानना है कि अचानक मेरे ऊपर कुछ भूत टाइप से कुछ सवार हो गया, जिसको लेकर के इस तरह की बड़ी घटना मेरे हाथों घट गई। तो एक बड़ी वारदात है जो कि सीवान ज़िले से जो आ रही है सुबह सुबह कि पति जिसका नाम अवधेश चौधरी है, उसने अपनी 3 बेटे और एक बेटी को मौके वारदात पे ही मार डाला है और पत्नी और दूसरी बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिनको पटना PMCH रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से भगवानपुर थाने की पुलिस मौकाए वारदात पे पहुंचकर पति को हिरासत में ले ली है और पति सब कुछ स्वीकार कर लिया है पुलिस के सामने ही कि मैंने ही अपने पुत्र या पुत्रियों की हत्या किया और करने का प्रयास भी किया है। इस पूरे मामले के बाद अब पुलिसिया जांच भी चल रही है कि आखिरकार जो इतनी बड़ी जो घटना घटी है इसके पीछे का कारण क्या है। हालांकि पुलिस यह भी बता रही है कि जो पति है वो सनकी दिमाग का है, जिसको लेकर के इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। सीवान से ATN लाइव के लिए चंदन कुमार। कुछ जानकारी यही मिला है, घटना घट गया तब जानकारी मिला। घटना उनके 5 लड़के लड़की है और उनकी पत्नी है, वो उनका हस्बैंड वो अपना बाल बच्चा को जितने भी हैं 3 लड़का 2 लड़की एक पत्नी उनको मारे हैं। मारे हैं क्या चीज, गोली से मारे हैं? नहीं, वो डंटे या कुशी से मारे हैं। नशा सर आप क्या करते थे? ना नशा तो नहीं वो करते थे। मार करके मतलब कि मौत के घाट उतार दिए? मौत के घाट उतार दिए। अच्छा, कारण क्या रहा है? हम कारण इतना नहीं बता सकते हैं, कारण उन लोगों में कुछ नहीं था, ऐसे ही पता ना उनका माथा में क्या हो गया। नशे में थे क्या? ना नशा तो नहीं करते थे। कुछ पारिवारिक विवाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो अच्छा थे, अपना बेटा बेटी को अच्छा हॉस्टल में पढ़ाते थे, पता ना उनका माथा में एक बार क्या हुआ। वो खा पी कर सोए थे 11 बजे। पति का क्या नाम है? उनका अवधेश चौधरी। कहाँ है अभी? यहीं पे है। कितने बजे की ये घटना है? वो लमसम हमको पता चला 12:30 बजे रात में हम सोए थे खा पी कर, और तो उसकी भगनी है तो ही बोली कि देखो ना मामा भाग रहे हैं, ये लोग पता नहीं था कि मर्डर हुआ है, वो मार दिए हैं भाग रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पे गए तो आप लोग क्या कुछ देखे? हम क्या देखे, वो सब लाश पड़ा हुआ था, एक उनकी बीवी थी वो चौकी पर बेहोश में थी और नहीं बोल पाती थी, यहीं देखे हम। उसके बाद हम लोग थी मुखिया के पास फ़ोन किए, उसके बाद थाना पे फ़ोन किए, उसके बाद थाना आया। कितने लोगों की कुल मौत हुई है? 4 लोग की मौत हुई है। 4 लोग में कौन कौन लोग हैं? उनकी बेटा बेटी है, 2 3 लड़का है 1 लड़की है।
अपना नाम कमल किशोर चौधरी। आप उनके कौन? हम उनके अगल बगल के हैं, पड़ोसी। उनके परिवार में अभी कोई बचा हुआ है या? हाँ, बचा हुआ है। कौन बचा? एक बीबी बची है, एक लड़की बची है। ये लोग PMCH से भर्ती रेफर हैं। उन लोगों को भी मारने का प्रयास किया है? सबको चोट लगा है, उनको भी सीरियस है। सर पे ही मारा गया? हाँ, सर पे खाली लगा है और कहीं नहीं लगा है। घटना क्या घटी है, कैसे घटी है? इसका दिमाग अच्छी था, ये अपना रात को उठा, परिवार को मार दिया टांगे से। पुलिस के सूचना हुआ, पुलिस गई, तीन गो स्पॉट पर मरा हुआ था, तीन गो को उपचार के लिए यहाँ लाए अस्पताल, अस्पताल से रेफर किया सिवान, सिवान में एकाके डेट हो गया, दो गो पटना रेफर किया गया। कुल कितने लोगों की मौत हुई है? चार की मौत हो गई। चार? ये चार कौन है? तीन लड़का हुआ, एक लड़की हुआ, सब उसका परिवार था, पत्नी, दो लड़की, तीन लड़का। कारण क्या लग रहा है आप लोगों को? कारण तो लोग गांव के बता रहे हैं कि पहले ही मेंटलिटी डिस्टर्ब था, फिर ठीक हो गया था, फिर बीच में रात में सब ठीक ठाक था, सामान्य स्थिति था। हम लोग भी 9:30 बजे गए हैं, 11 बजे गए हैं उधर से गश्ती में, कोई किसी तरह का सूचना नहीं था, कोई हलचल नहीं था, एकाएक कौन आया गए हम लोग। फिलहाल कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई है इसमें? गिरफ्तार तो जो मारा है, जो अपने स्वीकार रहा है, वो अपने गिरफ्तार है। बापे मारवे किया है तो। कितने बजे तकरीबन यह घटना है? हम लोग तो पहुँचे हैं वहाँ 12 बजे, 12:15 बजे। और कितने लोग इसमें घायल हैं? लोग घायल तो अब दो बचे। दो? कौन कौन ये लोग हैं? एक पत्नी उसका हुआ, एक बेटी हुआ। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।